नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक बिल्कुल नई वीडियो में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली कोलकाता की 12 सबसे हॉन्टेड जगहें। कोलकाता, ये तो सब जानते हैं कि आज के दौर में ये देश का एक अहम कमर्शियल सेंटर है ही, और साथ में एक शानदार इतिहास और संस्कृति की एक खास विरासत संभाले हुए है। आप किसी काम के सिलसिले में कभी कोलकाता आए तो इस शहर में घूमने, इसकी खूबसूरती को करीब से देखने का वक्त जरूर निकालेगा। जब शहर इतना खास हो तो अपने काम से थोड़ी देर छुट्टी लेकर इसे देखना तो बनता है। खैर, अगर आप एक आम सैलानी हैं तो आप ऐतिहासिक इमारतें, मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, म्यूजियम्स व सब घूम लेंगे। शॉपिंग पसंद है तो यहाँ के बाज़ार भी आपको जन्नत लेंगे। लेकिन अगर आप में डर को आजमाने का शौक है, अगर आपको हॉरर फिल्मों और कहानियाँ पसंद है, तो कोलकाता में आपके लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ दो चार नहीं बल्कि बहुत सी हॉन्टेड जगहें हैं। इन्हीं में से कुछ सबसे ज़्यादा जानी मानी जगह के बारे में आप आगे पढ़ सकते हैं। तो बिना टाइम खराब करे वीडियो करते हैं शुरू। हावड़ा ब्रिज, सफ़ेद पोशाक वाली आत्मा। यूँ तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता की शान है, टूरिस्ट एक फेवरेट स्पॉट है, वहीं दूसरी तरफ ये प्रेत आत्माओं का अड्डा भी है। ब्रिज के नीचे ट्रेनिंग करते कुश्तीबाजों से पूछिए, उनके किस्से सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनमें से बहुतों ने अक्सर हुगली नदी में से कुछ हाथ निकलते देखे हैं। बताना मुश्किल है कि वो हाथ इंसानों के हैं या आत्माओं के। किसी किसी ने सफ़ेद कपड़ों में रोती हुई औरत को भी कई बार देखा है, जो गुजरने वालों को अपनी खास आवाज़ में पुकारती है। जिसने भी उसे आवाज़ का पीछा किया, वो सदमे से कभी उबर नहीं पाया। कहा जाता है कि ये आत्माएं उन लोगों की हैं जिनकी जान गलती से या जानबूझकर इस नदी में डूब जाने से चली गई। वैसे तो आत्माएं हर जगह रात में ही नज़र आती हैं, मगर कहा जाता है कि यहाँ सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा भयानक होता है। दूसरी जगह, नेशनल लाइब्रेरी, पागलपन वाला भूत। अलीपुर स्थित नेशनल लाइब्रेरी भी एक ऐसी जगह है जहाँ प्रेत आत्माओं का डर है। सन्नाटा और आसपास किताबों की महक। क्या आपको भी लगता है कि लाइब्रेरी आत्माओं की पसंदीदा जगह होती है? कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ अकेले में किताब पढ़ते वक्त उनको किसी की सांसों की आवाज़ आती है, और ये आवाज़ें और तेज़ हो जाती हैं। अगर कोई किताब को उसकी सही जगह पर ना रखे, हर चीज़ को बार बार चेक करने और उसे सही से रखने का पागलपन कहलाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी, इंसानों में तो आपने सुना होगा, पर ओसीडी वाला भूत पहली बार सुना होगा। और भी कई लोगों ने लाइब्रेरी में कई बार कदमों की आवाज़ें सुनी हैं, पर किसी को चलते हुए नहीं देखा। यहाँ के लाइब्रेरियंस ने भी कई बार कुर्सियों को खींचते हुए देखा है, और साथ में पन्ने पलटने और किताबें गिरने की आवाज़ें सुनी हैं। कहा जाता है कि ये भूत भारत के पूर्व गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉल्फ की पत्नी का है। तीसरी जगह, निम्नलता घाट, अघोरियों का बसेरा। भूत प्रेतों की बात हो और शमशान का जिक्र ना हो तो बात कैसे पूरी हो सकती है। निम्नलता घाट कोलकाता के सबसे पुराने शमशानों में से एक है। काली पूजा के मौके पर बहुत से अघोरी यहाँ इकट्ठे होते हैं, जले हुए शरीरों की खाते हैं और उनकी राख अपने शरीर पर लपेटते हैं। ऐसे हत्या आपने कहानियाँ में सुनी होंगी, फिल्मों में भी देख होंगे। शमशानों का नाम सुनते ही जिस डर से नसें कंपकंपाने लगती हैं, उस डर को यहाँ असल में जीने का अनुभव यकीनन खास होगा। चौथी जगह, पुतुलबाड़ी, भूतिया डॉल्स का बंगला। लगता है कि भूतों की जितनी भी कहानियाँ आपने सुनी या देखी हैं, वो सब कोलकाता में सच होती हैं। दि कंज्यूरिंग या एनाबेल जैसी फिल्में देखी हैं आपने, इनमें एक डॉल होती है जिस पर भूत का साया होता है। ये कहानी पुतुलबाड़ी में सच होती दिखती है। इस आलिशान बंगले में घुसते ही स्टैंड्स में सजी डॉल्स आपके होश उड़ा देंगी। वैसे तो यहाँ लोग रहते हैं, पर वो भी आपको ऊपरी मंजिल पर जाने से रोकेंगे। कहा जाता है कि इस इमारत को अमीर मालिकों ने कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उन्हें मार डाला, जिनकी आत्माएं यहाँ मंडराती हैं, और लोगों ने यहाँ अकेले होने पर हंसी और पैजाबों की आवाज़ कई बार सुनी है। पांचवी जगह, राइटर्स बिल्डिंग, वो मरकर भी जिंदा है। विनोद बादल दिनेश बाग की राइटर्स बिल्डिंग में एक मुर्दा आदमी रोज टहलता है।
कहते हैं कि ये भूत ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान सिम्पसन का है, जिनको क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई के दौरान मार डाला था। बिल्डिंग की देखभाल करने वाले बताते हैं कि वो रात में भूत को टहलता देखते हैं और यहाँ चीखने की अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। हालांकि शाम को 7 बजे के बाद यहाँ लोगों का आना जाना मना है। इस इमारत की देखभाल के लिए भी जिन लोगों को रखा गया, दावा है कि कोई भी 24 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं पाया। छठी जगह, द रॉयल कोलकाता टर्फ क्लब। वो हारा पर मरा नहीं। कोलकाता में सिर्फ इंसान ही नहीं, घोड़े भी भूत बनकर घूमते हैं। यहाँ के लोग दावा करते हैं कि ये विरला और अजब नज़ारा द रॉयल कोलकाता टर्फ क्लब में देखा जा सकता है। कई लोगों ने पूर्णिमा की रात में एक सफ़ेद घोड़ा यहाँ रेस ट्रैक पर दौड़ता देखा है। माना जाता है ये प्राइड नाम का घोड़ा है, जो एक ब्रिटिश हॉर्स रेसिंग के शौकीन जॉर्ज विलियम्स का है। इस घोड़े ने बहुत सी रेसें जीती हैं और अपने मालिक को खूब दौलत और शोहरत भी दिलाई, मगर एक दिन वो एक रेस हार गया और अगले दिन उसे ट्रैक पर मरा हुआ पाया गया। और भी ऐसी ही जगह है, उसे लिए आप हमारे सेकंड पार्ट देखें, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।